ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये डिस्कशंस आप लोग की तरफ से है। फिर मैंने कहा कि एक डिस्कशन से नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, मैं क्योंकि आप देखिए कि वो जमीन मैं जब यहाँ था तब मैंने निकाल के दिया था, संयोग से वो बिल्डिंग बनाने का मौका भी मुझे मिला। तो जो राजीव ने अभी कहा कि जो इस सेक्टर के लोगों की आवश्यकताएं हैं और जो प्रावधान के अंतर्गत है उसको देने में किसी प्रकार से पीछे हम लोग नहीं रहेंगे, ये मतलब ओपन माइंडेड ये है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मान के चलिए कि अगर जो जो भी प्रावधान के अंतर्गत जो हम लोग दे सकते हैं हम लोग उसको ले करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि ये जो डिस्कशंस के लिए हमने आपको आमंत्रित किया, जिसमें हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से आपसे आग्रह किया था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आप इतने सालों से रिपोर्टिंग करते रहे हैं और जो आपके अनुभव हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं, हमने उस बिंदु को ध्यान में रखते हुए आप सभी को आमंत्रित किया था। हमारे सभी साथी जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के सभी लोग हैं और आप लोगों ने अपने बहुत सारे बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। चर्चा के दरमियान ये बहुत स्पष्ट होकर आया कि जो आपकी जिम्मेदारी है वो रिपोर्टिंग तो है ही, लेकिन रिपोर्टिंग के बाद भी जो एक अंदर से जो चीजें महसूस होती हैं कि सुधार होना आवश्यक है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो बिंदु जितने आप लोगों ने हमें बताए हैं इस पर हम आगे जो भी संभव कार्रवाई होगी करेंगे। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि आपसे बैठक होने के बाद आज ही मैंने रिम्स में एक अनौपचारिक बैठक रखी है, कल हम लोग की जो प्रशासी परसों जो प्रशासी परिषद की बैठक हुई थी उसमें एक औपचारिक बैठक हुई है, लेकिन उसमें बहुत जो सीमित बिंदुओं पर विचार करने की बात हुई थी। आज हम जाके चीजों को समझना चाहते हैं कि क्या ऐसी चीज है जिसका समाधान हम नहीं निकाल पाते हैं, या हमारे स्तर से क्या समाधान निकलना की आवश्यकता है जिसके लिए हम तत्पर हैं। उसी प्रकार से जो आधारभूत संरचना का मामला है, क्योंकि इससे पहले भी मैं भवन निर्माण सचिव था या बाकी अन्य जिम्मेदारी में था, तो मैं देखा करता था कि कहीं बिल्डिंग में पानी रिस रहा है या कहीं पर बिजली की दिक्कतें हैं, कहीं पर सफाई की समस्या है। तो ये सब बिंदुओं पर भी चर्चा के लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को बुलाया है आज सेकेंड हाफ में ही। पहले मैं जो वहां के जो चिकित्सक हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ डिस्कस करके सेकेंड मीटिंग में मैं उनसे ये चर्चा करूंगा, ताकि जो चीजों का समाधान निकल सके उसे तत्काल निकाल देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से सोमवार को प्रातः काल ही करीब 10:30 बजे के करीब मैंने सदर अस्पताल के संबंध में वहां पर जाकर चीजों को अवलोकन करने का निर्णय लिया है, ताकि वहां की जो समस्याएं हैं अल्पकालिक और दीर्घकालिक, अल्पकालिक समस्याओं का निदान हम लोग भले निकालने की कोशिश करें, दीर्घकालिक चीजों के बारे में भी क्या कार्रवाई कर सकते हैं उस पर हम आगे बढ़ें। तो ये दो हमारे जो महत्वपूर्ण जो यहां के जो एस्टेब्लिशमेंट हैं हेल्थ के संबंध में उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। और